हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी डायरेक्टर ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले आप टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आज मैं इस रीडिंग में ये देखने जा रही हूँ कि जो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको यही जाहिर कर रहे हैं कि इन्हें आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और हो सकता है उसके चलते इन्होंने आपको ब्लॉक तक कर रखा हो, या इनका जो भी बिहेवियर है वो आपको लेकर कुछ इस तरह से हो जो आपके दिल को तोड़ रहा हो। तो आखिर जो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इनके दिल में, इनके मन में क्या चल रहा है, इनकी क्या सोच बनी हुई है आपको लेकर, ये चीजें मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। हम यहाँ पर ये देखेंगे आखिर क्या सोच इनकी बनी हुई है जिसके चलते ये पर्सन आपको ब्लॉक करे पड़े हैं, या इस तरह से इनका बिहेवियर आपको लेकर है, तो वो चीजें देखेंगे। व्यूअर्स, आपको बस यहाँ पर ये याद रखना होगा, ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को जबरदस्ती हर बात में फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बनाऊंगी, यानी कि ये जो भी रीडिंग है व्यूअर्स, वो मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हैं। आपको बस और बस यहाँ पे फोकस बनाए रखना है, तो अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या सोच बनी हुई है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए, प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। आई हेट यू, आई डे ड्रीम अबाउट यू, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, व्हाई डिड यू ब्रेक माय हार्ट, एंड आई एम अफ्रेड ऑफ लव। ओके, ये मसला है। चलिए रूल्स कार्ड से भी देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी जो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं व्यक्ति। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, क्या है व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी जो बात नहीं करना चाह रहे हैं। स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। रेडियो एंड बॉटम इज ओके। देखिए, एक ऐसी सोच मुझे इस पर्सन की दिख रही है जिसमें ना ये ना मरे जा रहे हैं आपकी आवाज सुनने के लिए। मतलब यहाँ पर पहले ब्लॉक इन्होंने कर रखा हो, सिचुएशंस को टाइटली जो है वो इन्होंने पकड़ रखा हो, लेकिन एक ऐसी एनर्जी तो है कि ये इंसान ना अपने आप को, आपके ख्वाबों को देखे बिना, आपकी आवाज को सुने बिना अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और ये सभी चीजें जब इस इंसान की तरफ नहीं हो रही है, एज अ जब इनकी चाहत फुलफिल नहीं हो रही है, जब इनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये सभी चीजें इस इंसान के दिल को तोड़ रही हैं, और इन सभी की वजह ये आपको मानकर कहीं ना कहीं अपने जो पलड़ा है या अपना जो बिल है वो आपसे भरवाना चाह रहे हैं। एज एन यहाँ पर ये एनर्जी है कि एक होता है कि भाई दिल में अगर तुम्हारे इच्छा है उससे बात करने की, तो बात तो तुम भी कर सकते हो, फोन तो तुम्हारे पास भी है, नंबर तो तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम कहीं ना कहीं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ इस चीज पर अड़े पड़े हो, डटे पड़े हो कि उसको कॉल करना चाहिए या फिर उसने मेरा दिल तोड़ा, क्यों उसने मेरा दिल तोड़ा। तो कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर हुई है व्यूअर्स, जो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि इस इंसान के दिल में आपको लेकर गलत फहमियां डाल गई हैं, जिसके चलते इन्हें यही चीजें समझ में आ रही है कि इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को अगर कोई तोड़कर गया है, इनके दिल को अगर कोई तोड़कर गया है, तो वो हो आप, जाने वाले आप हो। इनको कुछ इस तरह की गलत फहमी है, और उस गलत फहमी के चलते ये इंसान इस चीज का वेट करते रहे काफी लंबे अरसे से कि जो एफर्ट्स होंगे, जो कोशिशें होंगी वो आपकी तरफ से होंगी, और आपने जब जब यहाँ पर कोशिश करी वो कोशिश उस मुताबिक नहीं हुई जिस मुताबिक ये चाह रहे थे, तब तब इस इंसान ने आप
से अपने आप को और दूर और बहुत दूर करना शुरू कर दिया। और जब आप इस इंसान से ऑलरेडी काफी दूर चले आए तो फिर वो बिल आपके ऊपर फाड़ा जा रहा है कि आप क्यों छोड़कर गए, आपने इनका दिल क्यों तोड़ा, और आपके छोड़ने की वजह से अब इनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं नफरत है, और इन्हें इवन इस रीजन, इस सिचुएशन, इस पास्ट की वजह से डर लगता है प्यार से भी, प्यार के करीब आने से भी या प्यार में पड़ने से भी। तो वो एनर्जी, वो स्टेट ऑफ माइंड या वो सोच इनकी बनी हुई है। ठीक है, देखो यहाँ पे व्यूअर्स, एक टावर मोमेंट तो आप लोगों की जिंदगी में आया, चाहे ये जो भी टावर मोमेंट आया हो वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी गलत फहमी के चलते आया हो, लेकिन इस मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत फहमी ने अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें यहाँ पे खत्म कर दी। जैसे कहते हैं ना कि ये तूफान ना यहाँ पर अगर कुछ लेकर गया है अपने साथ तो वो भरोसा लेकर गया है, वो प्यार लेकर गया है जो आप दोनों के दरमियान है। और अब इस इंसान को इस नो कांटेक्ट के दौरान यही चीजें ज्यादा खाए जा रही है, परेशान करे जा रही है कि इस तूफान में ना आपने रुककर इनका वेट नहीं करा या कोशिशें नहीं करी या उस तरह से कोशिश नहीं करी जिस तरह से ये चाहते थे। आपकी तरफ से एफर्ट्स आए, कोशिशें आए, बजाय उस तरह से कोशिश आने के आपने अपने आप को और दूर से कर लिया, इस रिश्ते से कर लिया। और वही चीजें इस इंसान को ये सोचने के लिए फोर्स कर रही है या सोच इनकी इस तरह से डेवलप कर रही है कि भाई आपने इनका दिल तोड़ा, और आप उस ना सिर्फ केवल आपने दिल तोड़ा, आप इनसे दूर भी चले आए हो। यहाँ पर अगर आपने इस इंसान को कोई तोहफे वगैरह दिए हैं या कुछ ऐसी चीजें आपने दी, बहुत कुछ चीजें होती हैं रिश्ते में जो एक दूसरे को दी जाती है, ये इंसान कहीं ना कहीं जब आपको याद कर रहे हैं ना तो उन तोहफों को, उन मेमोरीज को काफी ज्यादा खोल खोल कर देख रहे हैं। जैसे एक होता है कि माइंड में चीजें चलती हो कि शायद इन मेमोरीज के साथ साथ ये आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे, शायद कुछ अच्छा अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर पाएंगे, या शायद इस रिश्ते में एक नए सिरे से चीजों को ये देखने की क्षमता रख पाएंगे। क्योंकि जहां से इन्हें अब रिश्ता दिख रहा है ना वो बहुत सारी गलत फहमियों में या इनका दिल टूटते हुए इन्हें ज्यादा फील हो रहा है। आपके साथ जो भी इस इंसान ने सेलिब्रेशंस करे, खुशियां जो भी आप दोनों के दरमियान थी, जितना क्लोज आप दोनों इस रिश्ते में एक दूसरे के आए थे ना, वो क्लोजनेस इस इंसान को ना सिर्फ केवल रात में इनके दिल और दिमाग में चलती है, वो दिन में भी इनके दिल और दिमाग में हावी रहती है। लेकिन ये उन सभी चीजों को, उन सभी मेमोरीज को अपनी स्ट्रेंथ मानकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एज इन की शायद यही मेरी स्ट्रेंथ है जो मुझे मजबूत कर रही है इस बात पर अड़े रहने के लिए कि कोशिश उसे करनी चाहिए थी, या फिर जिस तरह से इस रिश्ते को चलाना चाह रहे थे उस तरह से मानना आपको चाहिए था। तो ये उस वे में आपकी मेमोरीज को खखोल खखोल कर अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, ये सोच इनकी बनी हुई है। बड़े जिद्दी और बड़े अड़ियल किस्म के इंसान है, और मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में ये पर्सन है। एज एन ये जो बार बार आपको बोला जा रहा है ना कि ये आपसे नफरत करते हैं या ये आपके साथ नहीं रहना चाहते, ये कहकर कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या अपनी विल पावर को मजबूत करने की इनके माध्यम से कोशिश करी जा रही है। इसीलिए ये ब्लॉक से अनब्लॉक कर नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जिस दिन ये आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर देंगे उसी दिन ये कमजोर पड़ जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ वो मैसेज फॉरवर्ड करेंगे जिसकी उम्मीद ये आपकी तरफ से चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ से आए। तो यहाँ पर कोई तो ऐसी बात है जो इस इंसान को ये रह रहकर परेशान कर रही है व्यूअर्स, कि आपको मानना चाहिए था, आपको करना चाहिए था, ऐसी चीजें हैं। हो सकता है ये जो भी रीडिंग है वो बहुत कम लोगों से रिलेट करे, लेकिन जितने लोगों से करती है आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखकर बताइएगा व्यूअर्स। ठीक है, और देखते हैं टैरो से गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के फीलिंग्स बताइए, जो खुद से व्यूअर्स से बात नहीं करना चाह रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की सोच बताइए प्लीज डिवाइन, जो खुद से व्यूअर्स से बात नहीं करना चाह रहे हैं प्लीज स्प्रेड गाइड मुझे गाइड कीजिए। एट ऑफ सोर्स, वही देखिए प्रोटेक्शन ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं,
ठीक है, नो कॉन्टेक्ट या ब्लॉकेजेस, ये सब चीजें दिख रही हैं। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन ये सोच ज्यादा अपनी डेवलप कर रहे हैं कि विक्टिम ये हैं, जो भी तकलीफ मिल रही है वो इन्हें मिल रही है, या जो भी तकलीफ मिली वो इन्हें मिली, छोड़कर आप गए, या चीजों को कहीं ना कहीं आपने नहीं समझा, या आपने इनको, इनके प्यार को ना तो समझा ना उसकी कदर करी, तो वो चीजें, वो सोच इन्होंने अपनी बना रखी है, जिसके चलते यहाँ पर इतने ज्यादा ब्लॉकेजेस बने हुए हैं। नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ, पॉसिबिलिटीज है कि अगस्त मंथ रहा वो जिस मंथ में ये आपसे खुद दूर गए, लेकिन ये सोच, ये नजरिया रखकर कि यहाँ पर विक्टिम ये हैं, चोट इन्हें मिल रही है, इन्हें अपने आप को संभालना है, इन्हें अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है, इन्हें अपने अच्छे वक्त की तरफ बढ़ना है, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज दिख रही है। ओवरऑल जो पर्सन आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, उसके पीछे की वजह जो है वो मेन यही है कि विक्टिम अपने आप को मान रहे हैं उस वे में कि आपने इन्हें नहीं समझा, आप इन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, या आपने शायद इन्हें कभी समझना चाहा ही नहीं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन नो कॉन्टेक्ट में व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बनी हुई है, गाइड कीजिए बताइए, स्प्रिट गाइड प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए बताइए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, आपने एक वक्त पे ना इस इंसान के अंदर अपने लिए ना पॉजिटिवनेस को देखा होगा, एज एन किसी के साथ आपको देख नहीं पा रहे हैं, चाहे वो जो लोग हैं बस आपके दोस्त यार हो, आपके फ्रेंड्स हो, वो आपके परिवार वाले हो, लेकिन इस इंसान की जो पॉजिटिवनेस थी ना एक वक्त पे, वो इनके दिमाग पे चढ़ने लगी थी, इनका बुखार बनने लगी थी, मेंटली इल ये पर्सन एक वक्त पे हो गए थे। हो सकता है कुछ लोगों के केस में इस इंसान ने आपको ना किसी पास्ट के पर्सन के साथ देखा, जिससे आप एक्चुअली में किसी तरह के कनेक्शन में नहीं थे, या आप एक वक्त तो थे लेकिन अब आप इनको लेकर कमिटेड थे, लेकिन वही पॉजिटिवनेस इस इंसान की इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर गई, इनके दिल में इस तरह की सोच को डेवलप कर गई कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते की जो फाउंडेशन है वो मजबूत नहीं है, यहाँ पे इस रिश्ते की फाउंडेशन जो इन्हें दिखाई दे रही है वो आपकी तरफ से नहीं है मजबूत, इसी रीजन की वजह से इस इंसान ने अपने इमोशंस को, अपने आप को काफी हद तक कंट्रोल कर रखा है, या काफी हद तक ब्लॉक कर रखा है, एज एन आपके सामने खुलकर ना आने के पीछे का रीजन यही बन रहा है। यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स की इस इंसान ने ना इस जो ये बात नहीं कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन ये है कि इन्होंने बहुत सारी चीजों को जो आपकी साइड से गलत हुई, जो इतना बड़ा मेजर तौर पर नहीं हुई, उसे इस इंसान ने इतना टाइटली पकड़ रखा है, जिसके चलते भी यहाँ पर ये आपके सामने ओपन नहीं हो पा रहे, आपके ख्वाब देखने के बावजूद भी, आपको याद करने के बावजूद भी। जैसे कि कुछ लोगों का होता है ना राय का पहाड़ बनाना, अगर किसी को आता है तो वो इनको आता है, या कोई इनसे आकर सीखे, तो उस तरह की सोच में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, इसी सोच को लिए बैठे रहने की वजह से कोशिश कर रहे हैं इस चीज को अपने आप से मनवाने की कि ये अपने आप में पर्याप्त है, अपने आप से प्यार करने के लिए ये पर्याप्त है, तो वो एनर्जी, वो सोच इनकी बनी हुई है। ठीक है, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन, जो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स से बात नहीं करना चाह रहे हैं उस व्यक्ति की सोच बताइए व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है, प्लीज स्प्रेड गाइड, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, जो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स से बात नहीं करना चाह रहे हैं उस व्यक्ति की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बनी है। एट ऑफ वैंड्स, भाई आवाज सुनने की इच्छा इनकी है, आपकी आवाज सुनने के लिए खुद ये मरे जा रहे हैं। यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है, कुछ लोगों के केस में ये चांसेस बन रहे हैं कि अगस्त मंथ के दरमियान ही आप दोनों के बीच में बातचीत होना, ब्लॉक आना मतलब शुरू हो गया था, किसी भी साल का वो अगस्त मंथ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सोच में ये चीजें दिख रही है कि आपकी आवाज सुनने के लिए ये इंसान ऑब्सेस हुए जा रहे हैं, लेकिन वो जो आवाज आपकी सुनने के लिए ऑब्सेस हो रहे हैं वो उस वे में जिस तरह से ये चाहते हैं, हो सकता है ये चाहते हैं कि जो नीडीनेस, जो जरूरत इन्हें अपने अंदर डेवलप होती हुई महसूस हो रही है, वो कुछ उस तरह का मैसेज आपकी तरफ से आए,
ठीक है, या जिस तरह से ये इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उस तरह से आपकी तरफ से सहमति आए, लेकिन वो उस तरह से नहीं आ रही है। लेकिन ये ऑब्सेस सिर्फ उसी चीज को लेकर ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए अपने आप से ये बात कर ही नहीं रहे हैं, और इवन बात करने की जगह ऐसा दिखा रहे हैं कि फीलिंग्स ही नहीं है, ताकि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे सके, आपको इस चीज के लिए हर्ट कर सके कि बिना इनके आप कुछ भी नहीं हो, या ये आपके बिना रह सकते हैं, आप ही नहीं रह सकते हो, तो उस तरह की चीजें हैं। बहुत अनहेल्दी, बहुत इमेच्योर सोच मुझे इस इंसान की दिख रही है, जो खुद से आपको जाहिर कर रहे हैं कि आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, जो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स से बात नहीं करना चाह रहे हैं, उनकी सोच व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है, प्लीज डिवाइन, प्लीज स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रिट गाइड गाइड कीजिए। फोर ऑफ कप्स, ये सारे एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे, सोर्ड्स, पेंटिकल्स, वैंड्स एंड कप्स, फोर और एट नंबर तो बहुत मुझे खास बनता हुआ दिख रहा है। देखो व्यूअर्स, बेसिकली इस इंसान को होना हो दिखाएं आपके ऊपर हैं, भले ही आपको ये जाहिर कर रहे हैं आपसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये इंसान आपको दूर रहकर भी काफी ज्यादा निगाहों में अपने रखे हुए हैं, और जितना ज्यादा ये पर्सन आपके बारे में जान पा रहे हैं, उतना ज्यादा इस इंसान को आप सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो, यानी कि भले अकेले हो या भले इनसे दूर हो, लेकिन एटलीस्ट आप जहाँ हो अपनी लाइफ से आप संतुष्ट हो, वो चीजें इस इंसान को ज्यादा तोड़ रही हैं। यहाँ पर ऐसी चीजें हैं कि हाँ जी, ये पर्सन आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं, और आप अकेले में भी काफी संतुष्ट नहीं दिख रहे हो, वो चीजें इनके जेलसी फैक्टर को, इनकी पॉजिटिवनेस को जलाकर राख और खाक कर रही हैं, और वहां पर ये इंसान लग जाते हैं और ज्यादा अपनी तरफ से ये जाहिर करने कि भाई इन्हें भी आपसे बात नहीं करनी है, एंड अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की उससे भी ज्यादा कोशिश में ये पर्सन लग जाते हैं, जितनी कोशिशें इनकी तरफ से ऑलरेडी हो रही हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, जो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स से बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्या है उनकी सोच व्यूअर्स को लेकर, प्लीज डिवाइन, प्लीज स्प्रेड गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या है उस व्यक्ति की सोच। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, और बार बार इस चीज को इनके थ्रू याद करा जा रहा है कि ये अपनी तरफ से इस रिश्ते को लेकर ऑनेस्ट थे, डिसिप्लिन में रहे, इस रिश्ते में जो भी इनकी तरफ से करना था, जो भी इनकी जिम्मेदारियां थी, इन्होंने वो बहुत बखूबी से निभाई, इन्होंने अपनी तरफ से इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए मतलब बहुत एफर्ट्स डाले, लेकिन अगर किसी रिश्ते में तूफान आना लिखा ही था, अगर किसी रिश्ते की किस्मत इतनी ही थी, तो फिर उसके बाद ये कर क्या सकते हैं, और इसी रीजन की वजह से अपने आप को ये समझाने की इनके माध्यम से हर वो कोशिश करी जा रही है जो ये कर सकते हैं, कि भाई अब प्यार करना नहीं है, या प्यार से ही अब डर लगने लगा है, तो वो एनर्जी इस इंसान की है, वो सोच इनकी स्नो कॉन्टेक्ट के दौरान व्यूअर्स बनी हुई है। चलिए ये देखते हैं, जो व्यक्ति ये बात नहीं कर रहे हैं और इस तरह की इन्होंने सोच बना रखी है आपको लेकर, इस इंसान की तरफ से आप किसी तरह के एक्शंस की, मूवमेंट की कोई उम्मीद कर सकते हैं या नहीं, ये आपको करनी चाहिए या नहीं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या मेरे व्यूअर्स की तरफ, इस पर्सन की तरफ से किसी तरह के एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज है या नहीं, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज स्प्रेड गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज होली एंजल्स गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे आपका आया है नाइट ऑफ वैंड्स, बॉटम इज आपका सेवन ऑफ वैंड्स, वही प्रोटेक्टिव वाली एनर्जी। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली आपके पर्सन एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख रहे हैं आपसे, और अपनी तरफ से भले ये इंसान आपकी रखी हुई एक्सपेक्टेशंस पर फुलफिल हो रहे हो, उस पर सही तरह से बैठ पा रहे हो या नहीं, लेकिन आपके लिए इस इंसान के दिल में बहुत सारी उम्मीदें हैं, और आप उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे हो, इसीलिए इस इंसान ने अपने आप को इस मोड में, डिफेंसिव मोड में डाल रखा है, अपने आप से आपको ब्लॉक कर रखा है, ये जाहिर करने के लिए कि इन्हें भी आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये जान पा रहे हैं, इनका दिल जान पा रहा है कि ये ब्लॉकेजेस इन्हें भी कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं, और ब्लॉक करने का कारण यही है कि जो
एक्शंस इन्हें आपकी तरफ से आने की उम्मीद है वो ये खुद ना कर बैठे, इसीलिए इनके माध्यम से यहाँ पर ब्लॉक करा जा रहा है। तो मुझे ना अभी इस इंसान की तरफ से किसी तरह के एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज व्यूअर्स नहीं दिख रही है, फ्रेंकली स्पीकिंग। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड्स और निकालकर इस रीडिंग का एंड करूंगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए, स्प्रिट गाइड मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशंस को कैसे डील करना चाहिए। शार्क, फेदर, सरिन, सनड्रेस। देखो आपसे ना यूनिवर्स ये बोल रही है व्यूअर्स की जब आपको लग रहा है कि सिचुएशंस अभी आपके फेवर में नहीं जा रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको बजाय उस सिचुएशंस में बैठे रहने के, उसके सही होने का इंतजार करने के, आपको कुछ वक्त के लिए कुछ कदम अपने आगे बढ़ाने होंगे। और वो कदम आपको उन लोगों की तरफ स्पेशली बढ़ाने होंगे जो लोग आप डिजर्व करते हो, जो लोग आपको जज नहीं कर रहे हैं, जो लोग आपसे बेमायने की एक्सपेक्टेशंस और उम्मीद नहीं रख रहे हैं, आपको उनके तरफ कुछ कदम यहाँ पर उठाने होंगे। एज एन कभी कभी अपने बारे में भी सोचना पड़ जाता है, या कभी कभी अपने बारे में भी सोचना जरूरी है, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो आपको बजाय इस सिचुएशन में रहकर इस चीज का इंतजार करने के कि भाई वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, वो क्या कह रहा है, एज एन कि मुझे उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर लेनी चाहिए, या फिर अपने आप को कमजोर समझने के, आपको यही कोशिश करनी है कि आप अब जो भी करो, जो भी फैसले आपके हों, वो अपने आप पर होकर जाए। तो ये आप से यूनिवर्स डिवाइन एज अ गाइडेंस बोल रही है व्यूअर्स, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर थोड़ी भी जानकारी मिली, थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल अभी तक लाइक नहीं करे, तो जल्दी से व्यूअर्स एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।